जेके न्यूज टुडे में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम है शास्त्री नगर रिच हार्वेस्ट स्कूल के यहाँ, जहाँ पर आज वर्ल्ड चिल्ड्रन डे की सेलिब्रेशन पर इन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट करी है। आप जिस तरह से देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में, छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने होर्डिंग्स पकड़ रखी है, बैनर्स पकड़ रखे हैं, जिसमें ये बता रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है और इस कोरोना से हमें किस तरह से बचना है। छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने अपने गले में होर्डिंग्स लगाई हैं, जिसमें लिखा हुआ है हैंड सैनिटाइजर, वेयर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, गो कोरोना गो। आप देख रहे होंगे कुछ समय से जम्मू कश्मीर में कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है, केसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके लिए रिच हार्वेस्ट स्कूल ने एक कैंपेन स्टार्ट की है। इस कैंपेन में छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे हम सबको ये सीख दे रहे हैं कि हमें किस तरह से कोरोना से बचना है। आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चे कोरोना को गो कोरोना गो करो कोरोना केस के नारे लगा रहे हैं। बच्चे यहाँ पर कह रहे हैं कि प्लीज गो कोरोना गो, हम पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि लगभग 2 साल हो चुके हैं स्कूल को बंद हुए। तो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं जो ये गुहार लगा रहे हैं कि कोरोना प्लीज चले जाओ, 2 साल हो चुके हैं हमें लगभग अपनी पढ़ाई को बंद किए, जहाँ क्लासेस फिजिकल क्लासेस से ऑनलाइन क्लासेस हो चुके हैं, बच्चे भी कहीं डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो आइए जानते हैं इस स्कूल के MD से कि इस कैंपेन को स्टार्ट करने के पीछे क्या रीजन है। नमस्कार मैम, आपका नाम? मिसेस उमा खाटल। मैम, ये कैंपेन आपने स्टार्ट की है जिसमें बच्चों ने जोर जोर से बोल रहे हैं गो कोरोना गो, इसके पीछे क्या क्या रीजन है? यही रीज़न है कि बच्चे इस टाइम बहुत वल्नरेबल हैं, इनका बहुत लॉस हो चुका है। छोटे छोटे बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं और इनकी हेल्थ पे भी असर हो रहा है, अदरवाइज़ हम जो बड़े हैं वो रिस्पॉन्सिबल एक्ट नहीं कर रहे, प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं और इंजेक्शंस कई लोगों ने नहीं लगाए हैं। तो जैसा सुनते हैं कि थर्ड वेव आने वाली है, बच्चे वल्नरेबल रहेंगे, तो हमारा एम्फोसिस यही है। आज वर्ल्ड चिल्ड्रन डे पर बच्चे मैसेज दे रहे हैं कि बड़ों को कि प्लीज़ प्रिकॉशंस लो और आप इंजेक्शन सब लगवा लीजिए ताकि हमारे लिए सराउंडिंग सेफ हो सके और हम जल्द अपनी पढ़ाई और नॉर्मल एक्टिविटीज शुरू कर सकें। तो मैम, जिस तरह से अभी कोरोना ने आहिस्ता आहिस्ता थोड़े केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे जम्मू कश्मीर में अब केसेस थोड़े राइज कर रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि लोग भी कहीं ना कहीं लापरवाह हो चुके हैं। फेस्टिवल सीजन था और आगे शादियाँ भी आ चुकी हैं, हम लोग देखते हैं कि लोग निकलते हैं बाहर लेकिन मास्क नहीं वेयर करते। यही दिखाया जा रहा है, जब छोटा छोटा बच्चे पहन रहे हैं और वो उन्होंने ये सब सिंबल्स अपने साथ लगा रखे हैं, वो यही बताना चाह रहे हैं कि काइंडली ये सब पहने और हमें सेफ रखें। और इस रैली के थ्रू हम कोरोना वॉरियर्स और टीचर्स को भी वर्ल्ड चिल्ड्रन डे पे बच्चों की तरफ से थैंक यू कह रहे हैं कि उन्होंने जो हमारा साथ दिया है, दिन रात काम किया और टीचर्स ने इनकी एजुकेशन को जिंदा रखा किसी तरह, तो उसके लिए भी ये थैंक्स के लिए रैली है और प्रिकॉशंस लेने के लिए और लोगों को ये कि बच्चों की सेफ्टी का ध्यान रखें प्लीज़। तो ये थी रिच हार्वेस्ट के MD उमा काटल जी, जिन्होंने हमें बताया कि कोरोना, जिस तरह से कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे जम्मू कश्मीर में फिर से बढ़ गई है, इसके लिए उन्होंने कंपेन स्टार्ट की है कि हमें मास्क पहनना है। बच्चों के साथ ये कंपेन स्टार्ट की गई है, इसमें मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, सैनिटाइज यूज़ करना है, जिससे कि हम कोरोना को भगा सकेंगे। और जितनी जल्दी कोरोना भागेगा, हमारी क्लासेस भी उतनी जल्दी ही स्टार्ट होंगी, फिजिकल क्लासेस। यहाँ पर बच्चे भी हैं, हम बच्चों से जानते हैं कि ये गो कोरोना गो ये कैंपेन क्यों स्टार्ट की गई है, इनसे जानते हैं। आपका नाम? स्मितिका कौर। ये क्यों कैंपेन कर रहे हो आप? कोरोना अवेयरनेस के लिए। ओके, तो अब स्कूल जब आते थे 2 साल पहले, तो आप स्कूल आते थे, अब मन करता है स्कूल आने का? यस। तो पढ़ाई घर पे नहीं अच्छी लगती, ऑनलाइन नहीं पढ़ाई अच्छी लगती? लगती है, पर स्कूल में ज़्यादा मज़ा आता है। स्कूल में ज़्यादा मज़ा आता है, स्कूल में टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सब मिलते हैं ना? यस। तो ये बच्चे जैसे कि कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं कोरोना अवेयरनेस को लेकर,
कोरोना जैसे हम सबके बीच में 2 साल से लगभग है, बच्चों की पढ़ाई लगभग काफ़ी ख़राब हो चुकी है। फिज़िकल क्लासेस से ऑनलाइन क्लासेस की वजह से पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि बच्ची ने कहा, वो मज़ा नहीं आता जो स्कूल में बैठकर मज़ा आता है। जहाँ आप देख सकते हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल भी हैं रिच हार्वेस्ट की, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। मैम आपका नाम? रसविंदर कौर। आप स्कूल की प्रिंसिपल हैं, क्या ये कंपेन के पीछे क्या रीज़न है? इसका मेन रीज़न यही है कि जो इतनी देर से कोरोना हुआ है इस कंट्री में, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में, हम बच्चों के द्वारा ये कैंपेन फैलाना चाहते हैं कि अब ये इन पे है लोगों पे कि वो कैसे प्रिकॉशंस लें और इस चीज़ को कम करें, ताकि बेचारे बच्चे जो इतनी देर से ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं, अब वो स्कूल में आके अपनी प्रॉपर स्टडीज़ कर सकें। तो बच्चे कहीं ना कहीं अब घर बैठे भी इरिटेट हो चुके हैं, क्योंकि नेटवर्क नहीं है, इशू प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। यही चीज़ हम चाहते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी जब बच्चे स्कूल में आएंगे पर्सनली। तो वी वॉन्ट कि बच्चे क्या पता बच्चों के द्वारा ही अवेयरनेस फैले लोगों में और वो ध्यान रहे। आजकल जैसे आप देख रहे हैं कि लोगों ने मास्क पहनना बंद कर दिया, सोशल डिस्टेंसिंग ख़त्म हो गई है, गैदरिंग बहुत हो रही है। तो मे भी एक हमारी छोटी सी मुहिम है जिसके थ्रू शायद लोग अवेयर हो सकें और हम सब अपने ट्रैक पर वापस आ सकें। तो ये थी रिच हार्वेस्ट की प्रिंसिपल, जिन्होंने हमें बताया कि इस कैंपेन के थ्रू ये एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि ये कोरोना जो है जल्द से जल्द ख़त्म हो, बच्चों की पढ़ाई जो ऑनलाइन चल रही थी वो फिज़िकल क्लासेस में हो। अगर हम प्रिकॉशंस लेंगे, अगर हम मास्क पहनेंगे, सैनिटाइज़र यूज़ करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, तो अवश्य ही कोरोना हम सबसे दूर चला जाएगा। इसी तरह के और अपडेट्स हम लेते रहेंगे, लाते रहेंगे आपके साथ। अलविदा लेते हैं आपसे, धन्यवाद।